बहुत अच्छी फीलिंग है ये, इट्स द बेस्ट फीलिंग, क्योंकि हमने जो मेहनत की है और जो करते आ रहे हैं, ऑफ कोर्स लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उसे सराह रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और बेस्ट फीलिंग क्या हो सकती है किसी एक्टर के लिए? आपके लिए कितनी बेस्ट फीलिंग है? आपके निगेटिव रोल को भी ऑडियंस काफ़ी प्यार देती है और उससे भी कनेक्ट कर पाती है। इट्स अ ब्लेसिंग कि काव्या का जो रोल है वो लोग उस तरह से पहचान पा रहे हैं, देख रहे हैं जिस तरह से वो लिखा गया है, बिकॉज काव्या हर एक सिचुएशन को सिचुएशंस के हिसाब से डील करती है। जब हमारे नॉर्मल लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें खुशी देती है, सो वी आर हैप्पी अबाउट इट। जब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जिनसे खुश नहीं होते हैं, तब हम ऐसी चीज़ें करते हैं उसको अपने पावर में लाने के लिए, तो काव्या भी वही करती है, हर एक सिचुएशन को सिचुएशन की तरह से डील करती है। और लोग इनफैक्ट मुझे कई बार इतने ब्यूटीफुल, अमेजिंग, इंस्पिरेशनल मैसेजेस, मोटिवेशनल मैसेजेस आते हैं लोगों के। विमेन टेल मी दैट दे लव द वे माय पर्सनालिटी कम्स अक्रॉस ऑन स्क्रीन, दे लव इट हाउ स्ट्रांग आई एम एज एन इंडिविजुअल, और जिस तरह से मैं बाउंस बैक करती हूँ फ्रॉम एवरी इमोशनल सिचुएशन दैट आई गो थ्रू। सो दे लव द वे आई कैरी माई सेल्फ, दे लव द वे आई एम पोर्ट्रेड ऑन स्क्रीन, एंड विच इज़ अगेन अ ब्यूटिफुल कॉम्प्लीमेंट। और एक और कॉम्प्लीमेंट दूसरी तरफ से ये भी है, जब लोग मुझे कहते हैं कि मेरे ग्रे शेड्स हैं और मैं नेगेटिव दिख रही हूँ, तो लोगों को ये भी अच्छा लग रहा है, विच इज़ अ नेगेटिव थिंग, एंड ऑफकोर्स दैट मेक्स मी फील दैट माई जॉब इज़ फाइन, आई एम डूइंग अ फाइन जॉब, बिकॉज अगर लोग कह रहे हैं कि उनको मेरी नेगेटिविटी और मेरी जिस तरह से मैं नेगेटिव दिख रही हूँ वो ठीक नहीं लग रहा है, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, राइट, दैट्स पार्ट ऑफ माई जॉब, सो इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बहुत मस्ती करते हैं हम लोग, बहुत इन्जॉय करते हैं एक्चुअली। फ़नी मोमेंट्स अगर मैं देखूं तो इतने होते हैं ना कि इट्स डिफ़िकल्ट टू कीप अ ट्रैक एवरी डे, देयर आर सो मेनी। आप अगर यहाँ भी देखेंगे, अभी वो डॉग है अपना, चॉकलेट है, गब्बर यहाँ लेटा हुआ है। अब कितनी बार सेट पे क्या होता है कि हम शॉर्ट में हैं, हम एकदम सीरियस एक्सप्रेशन बना के खड़े हैं, हम अपना सीन कर रहे हैं, और बीच में से कट हो जाता है बिकॉज गब्बर कभी आ जाता है, कभी चॉकलेट आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, यू नो, सो वी हैव सो मेनी पेट्स ऑन द सेट ऑल्सो। दीज थिंग्स आर सो गुड, दीज थिंग्स कीप द सेट सो पॉजिटिव, यू नो, एंड एवरीबडी इज़ दे ऑल नो द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। सो हम सब मेहनत तो बहुत, जितनी मेहनत करते हैं ना मस्ती भी उतनी करते हैं, बिकॉज इफ़ यू आर हैप्पी इन आर हार्ट, ऑब्वियसली हमारा काम और हम उस तरह से ही दिखेंगे जिस तरह से हम फील करते हैं। सो द सेट इज टचवुड अ वेरी हैप्पी स्पेस टू बी इन। आगे का क्या कुछ होने वाला है अनुपमा की? बहुत कुछ होने वाला है अनुपमा में, बहुत ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं। आपको लगता है कि ऑडियंस को चैन से बैठने देंगे एक सेकंड के लिए भी? ना, ऑडियंस को चैन से नहीं बैठने देंगे एक सेकंड के लिए भी, बिकॉज आर राइटर्स एंड ऑफकोर्स हमारी जो टीम है, उन्होंने इतनी बेहतरीन एपिसोड्स लिखे हैं आगे, सो यू आर गोइंग टू बी सो सरप्राइज। अगर आपकी बॉन्ड किसके साथ बनती है, सबके साथ मेरी बहुत सुंदर बॉन्ड है एक्चुअली। आई वोंट बी एबल टू नेम एनीबडी इन पर्टिकुलर, बिकॉज एवरीबडी आई शेयर सच एन अमेजिंग बॉन्ड, मेड बी वनराज, मेड बी अनिरुद्ध, मेड बी एवरीबडी इन द फैमिली, आई शेयर एन अमेजिंग बॉन्ड विद एवरीबडी, ऑल दी एक्टर्स। जितना काव्या का बुरा है ना ऑन स्क्रीन, उतना ही मदालसा का क्यूट है ऑफ स्क्रीन, बिकॉज वी आर ऑल सच गुड फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द डे। ऑडियंस, येस ऑफ कोर्स, ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी, बिग थैंक यू, एंड आई ऑलवेज फॉर एवर बी सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लविंग आवर वर्क एंड फॉर लाइकिंग आवर शो एंड फॉर बींग सो कंसिस्टेंट, एंड थैंक यू, एंड जस्ट आई प्रे दैट ये चीज़ इसी तरह से बरकरार रहे, वी हैव टू जस्ट मेनटेन दिस वे वी आर एट राइट नाउ, सो थैंक यू सो मच हमें यहाँ तक लाने के लिए। मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये आई एम ब्लेस्ड कि राजन चोज टू ब्रिंग अनुपमा इन टू माई लाइफ। मुझे फाइनली मेरा ड्यू मिला एज एन एक्टर। एक्टिंग तो मैंने हमेशा से की, मैंने हमेशा से अपना बेस्ट दिया हर शो को, लेकिन इस बार मेरे जो बेस्ट को लोगों ने पहचाना और सराहा है, सो थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, महाकाल माता रानी थैंक यू, एंड राजन शाही फॉर यू नो चूजिंग मी टू बी हिज अनुपमा, एंड अश्विन वर्मा माई हस्बैंड फॉर गिविंग मी द विंग्स टू फ्लाई। अरे मेरे घर में जब देखते हैं ना मुझे किचन में काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, सब बैठ के हंसते हैं, सो मेरी बुद्धि है जिसके ऊपर मेरा पूरा ऐसे शी इज़ द बैकबोन ऑफ माई हाउस, माई बैकबोन मेरे हस्बैंड है, तो ये और मेरी मदर ने सब बैठ के हंसते, हाँ देखो कितना काम कर रही है। मेरी मम्मी बोलती है अरे वाह कितना अच्छा लगता है, मेरा सपना था तुझे किचन में देखूं, अनुपमा में देख लिया, सो अनुपमा से बस एक ही चीज़ से सिमिलैरिटी है मेरे और अनुपमा में,
कि हम दोनों अपने फैमिली को बहुत बहुत प्यार करते हैं। ये मेरी केकी है, ये हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर है और ये सब हम लोग के लुक्स डिसाइड करती है, सब करती है, कौन कैसा क्या करेगा, क्या पहनेगा, कैसा दिखेगा, थीम्स होंगे सारे, वो ये डिसाइड करती है। केकी, आपने तो ऑडियंस के साथ बॉन्ड बना लिया है, आपके किसके साथ बॉन्ड बनती है ज़्यादा, ये जानना चाहिए। ये मेरा बस दिल से परफॉर्म करती हूँ तो दिल तक जाता है और मैं बहुत इमोशनल हूँ तो सारे जो इमोशनल लोग हैं उन तक आई थिंक मेरी परफॉर्मेंस पहुँचती है। बॉन्ड यहाँ पर सेट पे सबसे मेरा लाडला, मेरा बेबी, मेरा पूछी पूछी पारस, मुझे मैं रुद्रांश को बहुत मिस करती हूँ तो सेट पे मैं पारस को ऐसे ऐसे से करती हूँ। बा है मेरी डार्लिंग है, वो ऐसी वो जो बड़ी बहन होती है ना जो आपको मार पीट के आपको डरा के धमका के रखती है घर में, वो बा वैसी है। और मुझे पैम्पर भी बहुत करती है। तोशु है जो मुझे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, तो मैं सबसे क्लोज इन तीन लोगों से हूँ। उसके बाद फिर पांडे है जो हम लोग टॉम एंड जेरी बोला जाता है हमको सेट पे, तो हम लोग नोकझोंक चलती रहती है। एंड लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे अनुपमा की? प्लीज़ कीप वॉचिंग अनुपमा एंड आपका प्यार, आपके ब्लेसिंग्स बरकरार रखिए। थैंक यू सो मच, आप हैं तो हम हैं। थैंक यू। फीलिंग तो शुरू से ही बहुत अच्छी है, शो शुरू होने से पहले ही बहुत अच्छी फीलिंग शुरू हो गई थी मुझे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको जब कोई चीज़ मिलने वाली होती है या कुछ होने वाला होता है आपके जीवन में तो आपको एक एनर्जी फील होती है, एक वाइब फील होती है, एक ऊर्जा फील होती है। तो शुरू से ही एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक ऊर्जा मुझे महसूस हुई थी और शो शुरू होने के बाद से ये भी पता चल गया कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग पहले ही दिन से लेकर आज तक हम लोग सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं और ऑडियंस का इतना ज़्यादा प्यार हम लोग को मिल रहा है कि आज हम लोग 200 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। और वो भी ऐसे समय में जब शो हमारा शूटिंग जब शुरू हुई थी तब पैंडेमिक बहुत ज़ोरों पे था और सरकार ने 3 महीने 3.5 महीने के लॉकडाउन के बाद परमिशन दी थी ताकि फिल्म इंडस्ट्री का बिज़नेस फिर से शुरू हो सके, काम शुरू हो सके, लोगों को फिर से रोज़ी रोटी मिल सके। उस दौरान अमिड ऑल द रेस्ट्रिक्शंस और इतने सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे, इतने सारे रूल्स थे, उनके बीच में हम लोगों ने शुरू किया और उतनी कठिनाई में शुरू करने के बाद भी हम लोगों ने ये माइलस्टोन क्रॉस किया है, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर अस। देखिए, एज एन एक्टर मुझे अपने हर सीन से 100% रिलेट करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि अगर एज एन एक्टर अगर मैं अपने सीन से नहीं रिलेट कर सकता तो ऑडियंस भी रिलेट नहीं कर पाएगी, तो मुझे अपने आप को 100% डेडिकेट भी करना पड़ता है, रिलेट भी करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी खतरनाक सीन हो जिसमें मुझे अनुपमा को डांटना हो या किसी और के ऊपर चिल्लाना हो जो मैं रियल लाइफ में नहीं करता हूँ, बट मुझे वो पूरे कन्विक्शन के साथ करना पड़ता है क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो ऑडियंस कन्विंस नहीं होगी। और इतने महीनों में जो वनराज कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं एक ही साथ। वो कॉन्फिडेंट भी है, मैनिपुलेट भी करता है, इनसिक्योर भी है और वो प्यार का भूखा भी है, बिकॉज वो अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता, फैमिली उसकी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रही है और हमेशा कभी भी कोई सिचुएशन होती है तो वो अनुपमा को भी प्रोटेक्ट करता है, अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट करता है, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करता है। तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है दिमाग से, वो खुद ही नहीं समझ पाता है कि मैं किस तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ, अनुपमा को के साथ रहूँ या काव्या के साथ रहूँ, बच्चों को डांटूँ या बच्चों से खुश रहूँ। तो वो इतना कॉम्प्लेक्स है कैरेक्टर कि मुझे एज एन एक्टर बहुत मज़ा आता है अपने कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने में, बिकॉज ऐसा माइंडसेट अगर किसी इंसान का हो रियल लाइफ में तो आप सोचो कि वो कितना ज़्यादा फ्लिपेंट होगा या कितना फ्लिप करता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, आपको भी लगेगा कि यार ये आदमी कैसा है, कभी इस तरफ होता है, कभी इस तरफ होता है, कभी अच्छे मूड में रहता है, कभी बुरे मूड में रहता है। तो यस, दिस कैरेक्टर आई एम रियली एंजॉइंग प्लेइंग दिस कैरेक्टर, बिकॉज इसमें एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ करने को मिल रहा है और करने के साथ ही बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बिकॉज मुझे हर चीज़ को इंटरनलाइज करना पड़ता है, अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ता है, अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करना पड़ता है। ऑफ एयर बॉन्डिंग हमारी ऐसी है कि अगर आप लोग ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये 5 साल के 6 साल के बच्चे हैं या ये सच में जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं उस उम्र के हैं। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, रूपाली ने जो भी बोला होगा आई एम श्योर अच्छा बोला होगा, और अगर अच्छा नहीं बोला है तो
भगवान उसका भला करे, है ना। ब्रेक के बाद मैं अपने फैंस को अमित मिडल ऑफ इंटरव्यू चुका, मैं अपने फैंस को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है हमारे शो को और हमको, और इसी तरह से अपना प्यार बना के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारा शो पसंद करने के लिए, बहुत प्यार देने के लिए और इतनी डेडिकेशन के साथ देखने के लिए, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ही हमें खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और ताकत मिलती है कि और अच्छी स्क्रिप्ट आए और अच्छा सीन करे और आपके दिलों को छुए। थैंक यू सो मच। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मैं बहुत खुश हूँ, आई फील लकी कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ। टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये शो बहुत अच्छा कर रहा है, एवरी एक्टर इन द शो बहुत दिल से काम कर रहा है, एक एक कैरेक्टर एक एक इंडिविजुअल को अपने तरीके से कनेक्ट कर पा रहा है, तो आई फील ग्रेट, आई एम सो हैप्पी कि हमने 200 एपिसोड कंप्लीट किए हैं एंड सक्सेसफुली, हैप्पीली, पीसफुली, एंड टचवुड आगे भी ऐसा ही चलता रहे। जिस तरह से आपने बोला कि सारे एक्टर का जो भी रोल है वो ऑडियंस के दिल में एक जगह बना ली है और सब कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं, और आपका भी कुछ ऐसा रोल है जो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आता है, उसके बारे में क्या? आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं जब भी बाहर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, लोग मास्क में तो पहचान जाते हैं कि आप किंजू बेबी है। आई एम लाइक या, एंड आप अनुपमा में, वी लव यू, एंड यू नो बहुत लाइक इट इज़ सो गुड, आई फील अमेजिंग। मेरे को बहुत खुशी मिलती है कि लोग मेरे कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट लड़की है जिसकी सोच, जिसका रहन सहन, खाना पीना, मतलब जो भी है पर्सनैलिटी बहुत अलग है ये फैमिली से। वो कोशिश कर रही है कि इस फैमिली में जलप हो जाए और एक नया ट्रेंड लेकर आए, एंड इट्स ग्रेट यार, ऑल आई कैन से इट्स फैंटास्टिक। अपने कैरेक्टर से कितना रिलेट कर पाती हैं रिया? बहुत कुछ, बहुत कुछ। आई थिंक सिंप्लिसिटी, एजुकेटेड, अपने लिए स्टैंड लेना, किसी की बकवास नहीं लेना, एंड आई थिंक मैं इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ। हाँ, लेकिन लुक वाइज मैं नहीं करती, क्योंकि मैं ऐसा सब, मैं इतना इंडियन नहीं पहनती, और बाकी सबसे बात करना, सबके साथ रहना, सपोर्टिव रहना, आई थिंक आई डू कनेक्ट अ लॉट विद दैट इन पर्सन। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, एंड आई होप ऐसे ही रहे। सब बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है, एंड मस्ती खोर है। आई थिंक इस सेट पे जितने भी लोग हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें पता है कि अपने को एक्टर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, एंड एवरीबॉडी इज़ वेरी प्योर एट हार्ट, एंड इट्स ग्रेट। मस्ती तो आई थिंक सबके साथ होती है अपने वे में, सब बहुत क्यूट है, सबकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बापू जी हो, बा हो, समर हो, तस्नीम हो, जो मेरी मॉम बनी, राखी जी, एंड सुधांशु, रूपाली, आई थिंक एवरीबडी हैज़ देयर ओन फन। सबके साथ सीन्स होते हैं, तो कभी इसके साथ मस्ती हो गई, कभी उसके साथ मस्ती हो गई, बट हम बहुत हंसते हैं सेट पे, स्पेशली जब बा और राखी का सीन आता है, जब उनकी अनबंद होती है, ओ गॉड, हम बहुत हंसते हैं, हम स्क्रीन स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते बहुत हंसते हैं, इट्स इवेंचुअली फन, वी क्रिएट फन। एट मार्च को विमेंस डे है, तो मैं यही कहना चाहूँगी पूरी इंडिया की, पूरी दुनिया की विमेन को कि आप सबसे खूबसूरत हैं, सबसे हसीन है, पावरफुल है, आप जो है अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है, आप जैसी है वैसी रहिए, हर एक को सपोर्ट करिए, मन साफ रखिए, एंड यू आर द बेस्ट, एंड आप हमेशा टॉप पे रहेंगी और हमेशा सही रहेंगी। शो 10 बजे आता है स्टार प्लस पे, हर रोज़ 10 बजे मंडे टू सैटरडे आता है, देखते रहिए उस प्यार के साथ, एंड आई एम सो श्योर कि हम आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कि आप हमारा शो देखते हैं और उसे बहुत पसंद करते हैं, एंड थैंक यू फॉर लविंग किंजू बेबी ऑल्सो। थैंक यू। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जनता का प्यार है और ये भगवान की ब्लेसिंग्स है जो हम लोग का शो है, हमारा जो शो है वो इतना टॉप कर रहा है चार्ट्स पर, और आप लोग का इतना प्यार है जिसकी वजह से हम लोग और ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और जो पहले किया है, जो पहले के एपिसोड्स में किया उससे बेटर करने की कोशिश करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, और मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ ये शो रोज़ देखने के लिए और इतने सारे प्यार भरे मैसेजेस करने के लिए। आपका जो
कैरेक्टर वो तो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आता है और जो भी इस शो में हैं वो सब कैरेक्टर पसंद आते हैं और आपके शो को बहुत प्यार मिलता है। सो आपके कैरेक्टर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि कितना रिलेट कर पाते हैं खुद से आप? खुद से तो मैं ये रिलेट कर पाता हूँ, जो मैं एज समर प्ले कर रहा हूँ वैसे ही मैं थोड़ा बहुत रियल लाइफ में भी हूँ। मैं अपने मॉम डैड से बहुत क्लोज हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ एंड फैमिली सबसे पहले आती है मेरे लिए, उससे पहले और कुछ भी नहीं आता है। सो दैट्स व्हाट आई फील कि समर भी वैसा ही है, उसके लिए फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी मम्मी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे लोगों को समर के कैरेक्टर से ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए कि फैमिली से ऊपर कुछ नहीं होता है लाइफ में। तो आप जो अपने पेरेंट्स को अपनी मम्मी को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, जो कि सच है, जो आप सब कुछ रियलाइज़ कर रहे होंगे ये एपिसोड्स देखने के बाद, तो आपको समर के कैरेक्टर से यही सीखना चाहिए। और आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर लविंग समर्स कैरेक्टर सो मच और सारे कैरेक्टर्स जो हमारे शो में है, जिससे सब कोई रिलेट कर पा रहे हैं, किसी का मतलब जो सारे इक्वेशंस और सारे कनेक्शन कर पाते और जो सारे इक्वेशंस दिखाए भाई के साथ, भाभी के साथ और मम्मी के साथ, तो वो सारे जो कनेक्शन है वहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि मेरा बॉन्ड अपने भाई के साथ ऐसा है, मेरा बॉन्ड अपने मम्मी के साथ ऐसा है। तो वो सारे जो मैसेजेस आते हैं कि माय सन इज़ एग्जैक्टली लाइक समर, माय डॉटर इज़ एग्जैक्टली लाइक पाखी, तो ये सारी चीज़ें सुन के बहुत अच्छा लगता है कि लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। ऑफ एयर की बॉन्डिंग आई वुड जस्ट से दैट एवरीवन ऑन सेट, ईच एंड एवरी कास्ट एंड क्रू मेंबर, दे आर वेरी क्लोज टू मी एंड टॉकिंग अबाउट ऑल द एक्टर्स हियर, दे ऑल आर लाइक फैमिली एंड अनुपमा माय मम्मी हुम आई कॉल माय मम्मी, तो आई कॉल हर मम्मी ऑफ स्क्रीन एज वेल, मैं उन्हें मम्मी कहकर ही बुलाता हूँ फ़ोन पर, आई कॉल हर मम्मी और अम्मा। तो जब मैं क्वारंटाइन था फॉर 14 डेज बिकॉज आई टेस्टेड कोविड पॉजिटिव एंड आई वॉज इन शूटिंग, तो हर दिन मुझे सुबह शाम उनका कॉल आता था कि तू ठीक है, तेरी तबीयत कैसी है एंड ऑल दैट, आस्किंग एवरी पॉसिबल थिंग्स दैट इज़ पॉसिबल फ्रॉम हर साइड। शी आस्क्ड एंड शी टोल्ड मी कि कुछ भी चाहिए तो लेट मी नो, मैं भिजवा दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। सो आई फील लाइक आई हैव मेट अ न्यू फैमिली एंड न्यू फैमिली मेम्बर, उनके जो हस्बैंड है अश्विन सर, उनका जो बेटा है छोटा बेटा हुम आई कंसिडर एज माई यंगर ब्रदर, तो ऐसा लगता है मुझे एक नई फैमिली मिल गई है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हम बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है कि हमें इस इस पैंडमिक में ये शो करने का मौका मिला है और आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला है, तो थैंक यू सो मच फॉर लविंग आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लवली विशेज और ये जो आप लोग के प्यार भरे मैसेजेस आते हैं, फॉर सेंडिंग ऑल दोज मैसेजेस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर शो। आगे बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग ट्रैक्स आ रहे हैं, आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेंगे, सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच अगेन। अच्छा लग रहा है कि ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है तकरीबन, इसी टाइम पर हमने शूटिंग स्टार्ट करी थी और अच्छा लग रहा है कि नंबर हम भूलते नहीं है, हमारी सुपरस्टिशन होता है, मगर अच्छे लोग जुड़े हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे डायरेक्शन टीम हो रोमेश जी की, या प्रोडक्शन हो, आर्ट, राइटर्स, एडिटर्स, अच्छे लोग जुड़े, दिल से शो बनाया, लोगों तक पहुंचा और ऑडियंस ने सराहा, इसे प्यार दिया बहुत, तो अच्छा लगता है कि आज के ज़माने में एक ऐसा सिंपल शो जो रिश्तों की बात करता है, और डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन की हमेशा एक कोशिश रही कि सारा फैमिली एक साथ इकट्ठे होके, बच्चों से लेके आपके जो एल्डर्स हैं फैमिली में, सारा फैमिली शो देखे, तो खुशी मिलती है कि आज जहाँ जाओ आप, आपको बड़ी इज्जत से देखा जाता है जब आप बोलते हो आप अनुपमा से एसोसिएटेड हो। तो आई थिंक ये जो एक रिस्पेक्ट मिली है इंडस्ट्री में वापस, मेरे 28 साल हो जाएंगे कुछ एक महीने में इंडस्ट्री में, बट वापस आपको रीइन्वेंट करने के लिए और वापस जब आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है कि अरे आप अनुपमा के प्रोड्यूसर हैं, तो बहुत बहुत ऊपर वाले को थैंक यू कहने का मन करता है, अपनी टीम को थैंक यू कहने का मन करता है, ऑडियंसेस को थैंक यू कहने का मन करता है। सर, जिस तरह का आप शो बनाते हैं, सो क्या कुछ आप सोच कर बनाते हैं? आपके शो जो भी पहले से आए हैं वो सब हिट हुए हैं और ऑडियंस को काफ़ी पसंद आते हैं, सो क्या ऐसा दिमाग में रखते हैं कि ऑडियंस को पसंद आए, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप सोचते? आपने आपको पता है मैंने सारे शोज कौन कौन से बनाए, हाँ, तो जितने हिट बनाए उतने फ्लॉप भी बनाए, तो बट आइडिया ये है कि जो शो बनाते हैं बड़े दिल से बनाते हैं, कुछ अच्छे चलते हैं, कुछ बहुत अच्छे नहीं चलते, बट आइडिया कि सिंसेरिटी के साथ, और चाहे विदाई हो, चाहे रिश्ता हो, रिश्ते प्यार के, कुछ तो लोग कहेंगे अमृत मंथन, ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जो जुड़े हुए, और प्यार हो गया, और आज अनुपमा है, कल प्रतिज्ञा आएगा सीज़न 2, तो खुशी मिलती है कि लोग सिंसेरिटी से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, और देखिए मेहनत हमारे हाथ में, और जो
क्या उसका रिजल्ट होगा वो ऊपर वाले और दर्शकों के हाथ में। सर आपसे जानना चाहूँगा बहुत अच्छा लगता है जब काम को सराहा जाता है और ऑडियंस का हमें प्यार जैसा मिल रहा है ऐसा मिलता रहे और शो चलता रहे। आई थिंक सेम थिंग बिकॉज हम सब ने जहाँ से भी जर्नी शुरू करी थी आज हम एक जगह पर आए हैं और हम ऊपर वाले को नहीं भूले और हमेशा चाहते हैं वो हमारे साथ रहे। सो कीपिंग ऑल द फिंगर्स क्रॉस्ड आप सबका प्यार हमें मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर द लव। थैंक यू। नहीं बड़े एक्साइटमेंट और नर्वस है क्योंकि कल ही चैनल ने बताया कि अभी हम 15 मार्च को 8:30 बजे लेके आने वाले मंडे टू फ्राइडे स्टार भारत पर। तो कल जब फ़ोन आया तो मैं बहुत नर्वस भी हो गया बिकॉज नहीं पता इतनी जल्दी आ जाएगा क्योंकि 3 हफ्ते पहले की बात है जो इस शो की क्रिएटिव प्रोड्यूसर राइटर और शो रनर हैं पर्ल ग्रे उनका मुझे फ़ोन आया और जो सीज़न 1 की राइटर और को प्रोड्यूसर और शो रनर थी उनका फ़ोन आया कि राजन मैं ये शो लेके आ रही हूँ स्टार भारत में क्या आप इसमें कोलैबोरेशन करना चाहेंगे एज ए प्रोड्यूसर। तो मैंने पहले कहा पर्ल कि मैं विदाई आज तक जब चैनल ने मुझे इतनी बार कहा विदाई 2 नहीं बनाया बिकॉज मेरे पास अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है और मैं खाली एक और शो बनाऊँ वैसा प्रोड्यूसर हूँ ही नहीं फॉर द सेक ऑफ लॉन्चिंग एक नया शो बना दो। तो मैंने पहले स्क्रिप्ट सुनी मिडवे स्क्रिप्ट सुनने के बाद मैंने पर्ल को कहा कि पर्ल इट वुड बी एन ऑनर एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं प्रोड्यूसर बनूँ इस शो का डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन अनुपमा के बाद 2021 में ये शो को लॉन्च करे। 2020 का आई थिंक हमारा सबसे बड़ा लॉन्च अनुपमा था और ऑलमोस्ट 1 साल के बाद एक दूसरा लॉन्च कंपनी का आ रहा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ बिकॉज बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। एक हमारी कंपनी में कभी भी एक सोशल थ्रिलर नहीं बना एक बहुत अच्छी घर की कहानी रिश्तों की कहानी और उसके साथ एक थ्रिल एलिमेंट जो आपको हमेशा आप देखोगे बोले अगर अगले एपिसोड में क्या होगा। और मज़ा आया जब पर्ल ने सारी कास्ट इंट्रोड्यूस कराया अनुपम जी से सज्जन सिंह से इंट्रोड्यूस करवाया पूजा से मिला पूजा को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ और अरान को तो जब कास्ट से मिला तो जो कास्ट की इंथुजियाज़म मैंने देखी और जो वो एक्साइटमेंट थी कि 9 साल के बाद आ रहे हैं और आई थिंक दे आर वेरी लकी बिकॉज बहुत कम ऐसे शोज़ होते हैं जो कल्ट शो बन जाते हैं उनको वापस बिकॉज ऑफ ऑडियंस डिमांड बोला जाता है कि आप वापस आइए। और जो मैंने एक एक्साइटमेंट देखी वो हमारी अच्छी टीम बनी साथ में अभी 2 दिन पहले ही प्रयागराज से वापस आए और अच्छा ये लगा कि प्रतिज्ञा 2 के अंदर की एक जो प्रतिज्ञा 1 की USP थी जो खासियत है हर कैरेक्टर्स की चाहे वो सज्जन सिंह का एक अलग तरीका हो चाहे कृष्णा का अलग तरीका हो प्रतिज्ञा का एक स्टैंड जो रहता है उनका रोमांस रहता है उसके साथ नए कैरेक्टर्स जुड़े हैं जैसे मैं हमेशा कहूँगा चेतन हंसराज इस शो के बहुत बड़े सरप्राइज पैकेज होंगे तो नए कैरेक्टर्स आए नई फैमिलीज़ भी आई हैं साथ में। तो अभी हमारा इम्तिहान अनुपमा में तो अभी तक पास हुए हैं विद फ्लाइंग कलर्स अभी एक नया टेस्ट डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन का और हर इंसान जो डायरेक्टर्स कट से जुड़ा है वो हर शो से जुड़ा है कहीं ना कहीं तो सबके लिए बड़ा टेस्ट है। बस ऐसे ही शो देखते रहिए और हमें अप्रिशिएट करते रहिए और अपनी क्या है कुछ अगर कुछ लगता है कि ये अच्छा नहीं है ये बहुत अच्छा है वैसे हमें बताते रहे। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है एक जर्नी जो 1 साल पहले शुरू हुई आज इतने सारे एपिसोड्स हो गए और इतने खुशियों का माहौल है सेट पे केक काटा जा रहा है हवन हो रहा है ये तो शुरुआत है जैसे सर ने कहा बहुत आगे जाएंगे बहुत आगे बढ़ना है और बहुत खुशी हो रही है। जिस तरह की रियल लाइफ में तो अनुपमा मेरी बहन है मैं उसका भाई का रोल कर रहा हूँ और रियल लाइफ में भी एक्चुअली मेरा और रूपाली का रिश्ता वैसा ही है जैसे हमारा राखी का सीक्वेंस था तो उस सीक्वेंस में उसी दिन जिस दिन राखी था वो मुझे राखी बांध रही थी तो हम दोनों को उस पॉइंट पे लगा एक बॉन्ड हम दोनों ने शेयर किया और इतने सालों में 20-22 साल तक मेरे करियर में मैंने किसी को फिल्म किसी को बहन नहीं बनाया लेकिन रूपाली मेरी पहली ऑन स्क्रीन बहन है जो असली में भी मैंने उसको बहन बनाया राखी सिस्टर बनाया तो वैसा ही रिश्ता है उतना ही प्यार है। इतना प्यार दे रहे हैं आप देते रहिए आप ही के प्यार की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं तो कीप लविंग अस एंड कीप वॉचिंग अनुपमा।